नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज महान और महानगरी मुंबई से एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि संडे स्पेशल ब्लॉग है। काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि यार आजकल थोड़ा बहुत बिजी चल रहा हूँ, गाँव से अभी अभी आया हूँ। तो आज मैं आ रखा हूँ दोस्तों संडे के दिन वर्सोवा बीच में और मेरे साथ है मेरा दोस्त कमल और आज काफ़ी चिल करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग बने रहे, काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में। लेट्स गो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस अभी हम बीच में जा रहे हैं, दिन के बजे हैं 3, जिसके लिए हमको पीना पड़ेगा गन्ने का जूस या कुछ पीना पड़ेगा क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है और काफ़ी ज़्यादा धूप होगी अभी। तो देखते हैं, जाते हैं और गन्ना पीते हैं बढ़िया से पहले। तो भाई साहब कुछ इस तरह से है बीच का सीन, अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है तो कुत्ते भाई साहब भी डिहाइड्रेशन की वजह से सो रखे हैं यहाँ पे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और यहाँ पे शायद से कुछ प्रोग्राम है आज। तो दोस्तों कमल अक्सर बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड में लोग बीच में लोग अक्सर अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड लेके आते हैं और मतलब एक से चोमू टाइप के लड़के भी गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं इधर। तो ये बोलता है कि हमारे पास क्यों नहीं है आखिर। तो इसको मैं बता देना चाहता हूँ कि उसके लिए गाड़ी पाई दे, पैसा पाई दे उसके लिए, मुंबई की भाषा में बोले तो। और इसके साथ हमारे साथ है देवा राजभर, जिनको कि हमने स्पेशली युगांडा के जंगलों से बुलाया है। ये लोग भी गजब बेइज्जती है, बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि यहाँ पे खोज करने के लिए आए हुए हैं। हेलो भाई देवा भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। नासा के स्पेशल एजेंट है देवा राजभर, देवा फर्नांडिस, सॉरी नासा वाले कम नाइजीरियन जान लगते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रात को कभी 7-6 बजे आते तब इधर का सीन देखना को अच्छा लगता है। चप्पल पर बैठने बढ़िया था और दारू भी चलती है। और क्या चलता है? किसी सीन चलता है इधर भाई। और बैठो ऐसे बैठो ना, बहुत ही काला भैया काला कलर बजे एक लम्बा कलर आइडल बैठा था उधर ही। हम लोग बेकार रह रहे जिंदगी में, बोझ है पैदा हुआ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और कुछ इस तरह का व्यू है वर्सोवा बीच का। और इस साइड का व्यू देखो गाइस, चेकआउट करो कितना मस्त आ रहा है अभी थोड़ा सा सनसेट का। ये देखो एक नंबर व्यू आ रहा है यार। Driving lights in hearts, counting trees around. This is our day. तो गाइस सनसेट होने वाला है और वर्सोवा बीच का इसी बात का मैं दीवाना हूँ क्योंकि यहाँ पे सनसेट काफ़ी प्यारा लगता है। और आप सामने देख रहे हैं वो मढ़ का किला है, मढ़ किला यानी कि वहाँ पे सामने जहाँ पे सनसेट हो रहा है ना, आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये एक किला है मढ़, जहाँ की मैं जल्दी ही जाऊँगा आपको दिखाऊँगा पास से। और देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है सनसेट का और वर्सोवा बीच का। थोड़ा सा वैसे उजाला ही है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ सनसेट। तो ये देखिए गाइस काफ़ी। तो भाई साहब यहाँ पे हमको देखने को मिला है ये छोटी छोटी मछलियाँ जिनको कि ड्राई फिश के लिए रखा गया है सुखाने के लिए, शायद से नमक लगा के सुखाया गया होगा इनको। और कुछ इस तरह से हैं भाई, लम्बी लम्बी होती। तो गाइस हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमको बहुत सारी अजीब सी मछलियाँ देखने को मिल रही है। हमको तो कुछ पता नहीं है, देवा भाई बताएंगे थोड़ा। देवा भाई कौन सी मछली है? बांगड़ा मछली है। और इसको इस तरह से क्यों सुखाया गया है कि मतलब क्यों लटकाया गया है? क्योंकि ये मछली पूरा बाहर से जाने वाली है। अच्छा विदेशों में एक्सपोर्ट होगी ये मछली? हाँ भाई ये मछली झूठ बोल रहा है, तो कभी जिंदगी में खराब नहीं होती। तो अच्छा तो दवा का काम आती है दोस्त। तो दवाई के काम आती है ये मछलियाँ दोस्तों। और कुछ इस तरह से सुखाया गया है इनको इधर, काफ़ी सारी बहुत सारी क्वांटिटी में है। आगे तक आप देख सकते हैं जितने सारे जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक मछलियाँ देखने को मिल रही हैं हमको। और ये बांगड़ा है मछली और काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ को देख के आप कंपेयर कर सकते हैं कितनी लंबी मछलियाँ हैं। और कुछ इस तरह से सुखाया गया है इनको वर्सोवा बीच के किनारे में धूप में। और मेरे हिसाब से इनको नमक लगा के सुखाया जाता है और बाहर से जाली लगा रखें कि कोई इनको छेड़छाड़ ना करे। और कुछ इस तरह से है दोस्तों ड्राई फिश। और ये काफ़ी आसाम अफ्रीका और बहुत सारी जगहों पे ड्राई फिश का प्रचलन है।
और कुछ इस तरह से है दोस्तों, एक कोली लोग का घर महाराष्ट्र में, जो लोग मछली मार मछली पालन या मछली मारने का काम करते हैं उनको कोली कहा जाता है। और ये है दोस्तों वर्सोवा बीच, और कुछ इस तरह से है भाई साहब शाम का नज़ारा। और यहाँ पे इनकी बोट्स वगैरह हैं जिनमें ये मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। और ये देखिए गाइस व्यू काफ़ी प्यारा आ रहा है शाम का। तो भाई साहब आज मैं आया था यहाँ पे फिश मार्केट का ब्लॉग बनाने, एक्चुअल मैं आपको सच बताऊँ तो, लेकिन फिश मार्केट संडे को बंद रहता था क्योंकि बांडिया की बोट अभी आई नहीं है। बांडिया की बोट आज आई नहीं, इस वजह से अपना फिश मार्केट बंद था। तो वर्सोवा बीच का ही वीडियो बना लिया। आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि